मौली गांव में गुलदार का आतंक देखने को मिला। 5 साल के मासूम को गुलदार ने निवाला बना लिया। गांव के पास झाड़ियों में मिला मासूम का शव। वहीं गुलदार के आतंक से गांव में दहशत बनी हुई है। इसके बाद बता दें कि वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 2 दिनों में 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है गुलदार। वन विभाग को सूचना दे दी है, बावजूद इसके जो है अभी तक मामले में संबंधित अधिकारियों ने सही से कार्यवाही नहीं की। नतीजन ये कि 2 दिन में 2 लोगों को निवाला बना चुका है गुलदार। कसमौली गांव में 5 साल के मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। गांव के पास झाड़ियों में मासूम का शव मिला। लोग दहशत में हैं, दहशत के साए में जी रहे हैं। गुलदार के आतंक से गांव में रोष भी देखने को मिल रहा है। लोग डरे हुए हैं। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार जो है इस बाबत अवगत करा चुके हैं वन विभाग को, लेकिन अभी तक मामले में कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। गुलदार को पकड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, जिस वजह से नतीजन ये रहा कि 2 दिन में 2 लोगों को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया, अपना निशाना बनाया। और बता दें कि 5 साल के मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। झाड़ियों में इसका शव मिला। लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। साथ ही वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 2 दिनों में 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है गुलदार। टीवी से खबर मिल रही है जहां पर कसमौली गांव में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। 5 साल के मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। और ऐसे कई मामले अक्सर पहाड़ी इलाकों से सामने आते हैं। गुलदार का आतंक देखने को मिलता है। टिहरी में यह आतंक देखने को मिला।